हम कहीं भी चले जाएं, मीलों मील चले जाएं, पर दुनिया में पता सबसे खूबसूरत जगह हमारा क्या होती है? हमारा अपना घर, हमारे अपने लोग। हम जब अपनों से मिलते हैं उससे बड़ी खुशी हमें कुछ नहीं लगती। आपको क्या लगता है बताओ ना। सो मैंने इस बार डिच किया अपनी कार को और मैं रेडी हुई 2:30, मुझे पिक किया रमन ने एंड वी स्टार्टेड आवर सफ़र वेरी अर्ली टू रीच टू दिस धाम बद्रीनाथ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड साक्षी धंजल और मैं हूँ रमन के साथ। मैं पहली बार अपनी गाड़ी 2 साल में डिच करा हुआ, नहीं मेरी गाड़ी को भी 2 साल नहीं हुआ, 1.5 साल हुआ है, तो मैं 1.5 साल में अपनी गाड़ी को पहली बार डिच करा होगा ट्रैवल में। फिलहाल मैं पहली बार रमन के साथ रमन की गाड़ी में जा रही हूँ और आई एम प्रीटी श्योर आप ये नज़ारा बहुत बार देख चुके होंगे टीवी पे, अगर आप रामदेव भाभा के फैन हो तो। सच है, वो यहीं पे करवाते हैं योगा, बिल्कुल इसी जगह पे। कौन सी वाली? कैसा कुछ नहीं, नीचे जाना, नीचे जाना, नीचे जाना, नीचे जाना, रुक जाओ। चाहत में तेरी इज्जत गुजरते नहीं, आंखें तकती नहीं तेरी तस्वीर से। मैं पहुंची अभी देवप्रयाग पे। देवप्रयाग पे आपको सबको पता है किसका संगम होना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं पता तो बहुत गलत बात है। कमेंट करो जिस चीज़ को पता है, जल्दी बताओ किसका संगम हो रहा है। सो फाइनली रीचिंग टू करण प्रयाग एंड कौन सी रिवर है तुम्हें पता है? कौन सी है? गड़गंगा? जी गड़गंगा नहीं है, फिर यमुना, सरस्वती। एक काम करो, गूगल पे सर्च करो थी कौन सी रिवर है, तू बता ही देना गूगल की करो। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगी। गूगल से कम है यार। मैं तो अगर तुमने सही जवाब दिया मैं रमन 500 रुपए दूंगी बिना गूगल के। अब लगाओ, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, जल्दी दो ऑप्शन दे, सोचो ना अपने आप। तूने कहा दो ऑप्शन है, ऑप्शन तो दे। मैं ऑप्शंस दूं? ओके, मैं तुम्हें ऑप्शंस देती हूँ। ओके, पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है अलकनंदा, तीसरा ऑप्शन है गंगे। मैं 3 दे रही हूँ तुम्हें, तीसरा ऑप्शन है गंगा। अब बताओ, पहला गोदावरी, हाँ, दूसरा अलकनंदा, अलकनंदा, तीसरा गंगा। अब जल्दी बताओ कौन सी नदी है ये? गंगा नहीं है, गोदावरी लगा ले। तुम्हारा जवाब गलत है, ये अलकनंदा है। तुम हार चुके हो। 50,000 रुपए रमन ढींगड़ा। सो मैं रमन को यहाँ का यू नो पहाड़ी फूड खिला रही हूँ एंड ही सेइंग हम रुके कहाँ। रमन तुम्हें कुछ आईडिया हम कहाँ रुके हैं? अभी तो बोलता नदी के पास। करण प्रयाग। सो करण प्रयाग में अगर तुम लोकल ढाबे ट्राई करोगे यू विल गेट पहाड़ी फूड एंड पहाड़ी वाइब्स। एंड उसके अलावा मतलब चपाती, तुम्हें सबसे अच्छी सब्जी कौन सी लगी? अच्छा ये बताओ। मैंने अभी चारों टेस्ट नहीं किया, चारों टेस्ट नहीं कर रहा, एक मिनट बाद बताओगे। मुझे सबसे बेस्ट पनीर लगी भाई। गाइस ये टाइम जो होता है इनके देवता वगैरह का टाइम होता है, मतलब यहाँ पे हिमाचल या उत्तराखंड में। सो यहाँ पे फेस्टिवल काइंड ऑफ चल रहा है इस वक्त। तो गाइस अभी रास्ता बचा है हमारे पास 3 घंटे और 16 मिनट का, और रमन अपनी एडिटिंग में बिजी है उसको। 3 घंटे और 16 मिनट का रास्ता बचा और मैं सोच रहा हूँ कि 16 मिनट छोड़ के 3 घंटे में सो जाओ। अगर तुम सोए रमन तुम पिटोगे पूरी तरीके से। आज अब तुम नहीं सो सकते, तुम पूरे टाइम सोते आए हो गाड़ी में, पूरे टाइम। हाँ ये लड़का गाइस पूरे टाइम गाड़ी में सोता आया, मैं बता रही हूँ सच में, पूरी टाइम गाड़ी में सोता आया, इसको और कुछ काम नहीं था आज। ऐसे झूठ मत बोल, 6.5 घंटे गाड़ी चलाई है वो। 6.5 घंटे का सब मैं बता देती हूँ कैमरा में। दिल्ली से ऋषिकेश इस गली को 6.5 घंटे लगे क्योंकि गाड़ी क्या ही बोलूं कौन सी स्पीड पे चला रहा था। तूने ही बोला था कि 80 पे चला, तो 80 पे गाड़ी एवरेज देती है। हाँ तो अच्छी, और तो और मुझे लग रहा है तुम 80 पे नहीं, तुम 40 पे चला रहे थे। अच्छा हाँ, बोलते है शर्मिंदा। कितना सुंदर है ये नजारा। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं बट हम डायरेक्ट ना बद्रीनाथ के मंदिर जा रहे हैं। ऑब्वियसली अब आपको पता ही चल गया होगा हम कहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर ठंड है। ऑलरेडी बोल चुके हो कि हम बद्रीनाथ के मंदिर जा रहे हैं। सो यू नो हमने स्टार्टिंग में बताया नहीं था हम जा कर रहे हैं। हाँ तो एग्जैक्टली सीधा ही बोल दिया। हाँ मैं हम डायरेक्टली पहुंच चुके हैं और हम बद्रीनाथ के हाँ, तो आप उसके बाद आप कह रहे हो कि अच्छा आपको पता लगी क्या होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आपको पता ही चल गया ना, आपको कॉपीराइट आ जाएगा गानों में से। सो इट टुक लाइक 16 आवर्स लगे, 18 आवर्स। हाँ क्योंकि हम 2 घंटे जाम में फंस गए थे। हम 2 घंटे जाम में फंस गए, काफी लंबा रास्ता था। एग्जैक्टली और हमारी फटके चार हो गई, ऐसा
आप बोल सकते हो ऐसा नहीं बोल सकते हम वापसी भोजनालय से खाना खा लेंगे यार भूख लगी है भगवान सो गाइस इस वक्त ना जो टेम्परेचर है वो कितना हो रहा तुम्हें आ गया है आई थिंक अराउंड दो तीन के आसपास होगा यहाँ पे माइनस नहीं लग रहा तुमको माइनस नहीं लग रहा दो तीन सो वी आर गोइंग टू मंदिर राइट नाउ और मुझे डाउट ये है कि मंदिर बस अच्छा द बेस्ट थिंग इज लो टेल लड़की के अंदर वो देखो मतलब इतनी सर्दी हो रही है और ये बाल गीले करके बाहर निकली है मतलब डेडिकेशन तो देखो मंदिर जाना है लेकिन भाई बिना नहाए नहीं जाएंगे सो आई लाइक हर डेडिकेशन जैसा कि पता है गेट बंद हो गए दिस इज सेकंड टाइम मेरे साथ मतलब मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ यार लास्ट टाइम मैं पीरियड्स में थी और इसलिए मैं अंदर नहीं गई नो आई डिडंट टोल दिस इन आई मीन आई डिडंट टेल दिस इन माय लास्ट व्लॉग और आज फिर गेट बंद होगा कल मंदिर बंद है ड्यू टू मून मतलब कल ग्रहण है अरे मेरे साथ ही ऐसा होना था मुझे लग रहा है मैं ओली जा रही हूँ मुझे फिर वापस आना पड़ेगा मंदिर के दर्शन के लिए बीच में ओली से हमारे दर्शन हो गए फाइनली आई एम सो हैप्पी आई एम सो फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड मेन गेट बंद था हम पीछे खोपते गेट से गए जो बाहर निकलने का रास्ता था और फाइनली आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड कि दर्शन फाइनली थैंक यू भगवान चलो थैंक यू भगवान क्या मेरे साथ आए इसलिए हो गए मेरे साथ आए ऐसे वी आर ब्लेस्ड कि हम दोनों के हो गए एक्चुअली मैम पटाखे फूट रहे हैं भाई ओह माय गॉड लुक एट दिस की पता है ये ना मतलब दूर से चमकता है गाइस लिटरली तो गाइस जैसा कि आपको पता है मैं रुकी हूँ यूथ यूथ मैं इनका नाम भूल जाती हूँ सो पता ये ना बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट का है एंड यहाँ के रूम आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे इट्स लाइक 1000 एंड डोमेट्री 400 पर बेड सो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो दिस इज़ लाइक वाओ और आपकी पार्किंग स्पेस भी बहुत ज़्यादा है इनके पास किचन भी है और इनकी स्पेस बहुत बहुत अच्छी है ताकि मतलब काफ़ी अगर लोग आते हैं तो दे हैव दिस काइंड ऑफ क्राउड वेल आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ सच बद्रीनाथ सुंदर बद्रीनाथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड भूलना मत या प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिकॉज अभी तक मुझे कोई इनकम स्टार्ट नहीं हुई यूट्यूब से सो सी बाय